तो दोस्तों, मैं एडल बोर्डन से निकल चुका हूं और यहां मैंने बस ली है जो मेरे को लेकर जाएगी फ्रूटीगन तक, और फ्रूटीगन से आगे मैं लूंगा ट्रेन शपीस तक के लिए, और वहां से फिर मैं चेंज करूंगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मतलब इंटरलाकेन के लिए। इट विल टेक जस्ट मैक्सिमम 2.5 आवर्स। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट ट्रिप दैट वाज रियली एन अमेजिंग ट्रिप। आई रियली एंजॉयड इट। इट वाज टू एडलबोर्डन विलेज एंड दैट वाटरफॉल ट्रैक, ब्यूटीफुल वाटरफॉल ट्रैक। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट, यू विल रियली लाइक इट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं इंटरलाकेन पहुंच चुका हूं एंड दिस इज द व्यू आउट ऑफ माय होटल। यू कैन सी इट्स रियली एन अमेजिंग सिटी। आई विल शो यू दिस सिटी लेटर एंड आई एम श्योर यू विल रियली लाइक इट। दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। एंड तो आज का मेरा प्लान है कि पहले मैं आपको सिटी टूर कराऊंगा इन डे लाइट, एंड देन आई विल गो टू वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस सिटी दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप ऑफ इंटरलाकन। और उसके बाद मैं आपको रात को भी इस शहर की खूबसूरती दिखाऊंगा। दिस इज रियली एन अमेजिंग 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 सिटी। तो ये है मेरे हॉस्टल की किचन। एज यू कैन सी, एट लीस्ट फॉर डेली यूजर्स यू कैन सी एट लीस्ट ऑल द मटेरियल्स हेयर, स्टोव्स, क्रॉकरीज, यू कैन कुक हेयर। बट या ऑफ कोर्स यू नीड टू ब्रिंग योर ओन स्टफ्स, मीन्स वेजिटेबल्स एटसेट्रा, दे विल नॉट प्रोवाइड इट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको कराऊंगा सिटी का डे ट्रिप, तो मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से आपको दिखाने के लिए। और दिस इज वाटर स्ट्रीम, डोंट कंफ्यूज इट विद सम काइंड ऑफ रिवर। एंड या सो फ्रॉम दिस इट केम टू माय माइंड दैट आई विल टेल यू अबाउट, और आई शुड टेल यू अबाउट दिस सिटी दैट हाउ इट गॉट इट्स नेम। एक्चुअली इंटरलाकेन इज ए जर्मन वर्ड, मीन्स लाकेन मीन्स लेक्स, एंड सो इंटरलाकेन मीन्स इट्स बिटवीन टू लेक्स। इन ईस्ट साइड इट्स लेक ब्रिंस, एंड इन वेस्ट साइड इट्स लेक थून, एंड दिस इज अ सिटी बिटवीन दीज टू लेक्स। और जो आपने अभी वाटर बॉडी देखी थी, वाटर स्ट्रीम देखी थी, दैट इज एक्चुअली कनेक्टिंग दीज टू लेक्स। सो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन लेक टू अनदर, एंड दिस इज अगेन द सेम स्ट्रीम, एक्चुअली नॉट सेम स्ट्रीम, बट इट्स कमिंग फ्रॉम द सेम लेक एंड गोइंग टू द सेम लेक, बट इट्स डिफरेंट। तो ये ना कहना कि मैं वापस घूम फिर के वहीं आ गया। एज यू कैन ऑल्सो सी इन द मिडल दैट इट्स टोटली डिफरेंट बिल्डिंग। और ये फूल, ये खूबसूरत नज़ारे, एक्चुअली दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग। और कई बार तो मैं अपना टाइम यहीं पे ही स्पेंड करने का मेरा मन होता है। एक्चुअली यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, तो यहाँ आके आराम से बैठ जाता हूँ मैं। बिल्कुल ही शांत जगह है एकदम। और ये जैसे आप विंडोज देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड के आज के घर ऐसे हैं। दीज आर ओल्ड हाउसेस एंड फ्रॉम दीज विंडोज यू कैन गेट एन आइडिया दैट दीज आर ओल्ड ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स। और स्विट्जरलैंड में यू कैन फाइंड बोथ काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब आपको नई भी मिलेंगी, आपको पुराने जमाने की बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री दैट इसने अपनी दोनों ही विरासत को बड़े प्यार से संभाला हुआ। और ये चर्च टावर था, एक्चुअली मेरा मन था ऊपर जाने का, पर आई कॉन्ट सी एनी वन कि किसको पूछूं ऊपर जाने की परमिशन है या नहीं। तो ये थोड़ा सा ट्रिप पर मेरा ये भी प्लान है कि मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको टॉप ऑफ इंटरलाकेन लेके जाऊंगा, तो बिफोर नाइट आई प्लान कि मैं बिफोर नाइट इट आई कैन कंप्लीट इट। और ये डक्स तो आप यहाँ पे जगह जगह देख सकते हैं, झीलों में, नालों में, नदियों में। एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट विद स्विट्जरलैंड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूरोप यू कैन सी इट। और ये घर वाकई बड़ी खूबसूरत है। अगर यहाँ होटल होते हैं ना, तो मैं शायद यहाँ प्रेफर करता, पर वैसे मेरा अभी वाला होटल भी काफ़ी अच्छी जगह है। और ये नज़ारे अलग ही, एकदम अलग ही व्यू है। और वांडर वे ट्रेल, एक्चुअली दिस इज अ प्ले, दिस इज गिविंग मे सिग्नल टू गो टू दिस डायरेक्शन, एंड वेग इज एक्चुअली पाथ।
एंड इन फ्रंट यू कैन सी दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी विल बाय आवर टिकट्स। और ये लोग आ रहे हैं वहाँ ऊपर से नीचे, और ये बीच में क्रॉसिंग है जो कि इंटरलाकेन वेस्ट को इस करती है। और यहाँ पे या आई विल लाइक टू टेल यू कि आप काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं, या आप यहाँ नीचे कियोस्क के लगे हुए हैं इधर से भी टिकट ले सकते हैं। काउंटर्स पे कई बार काफ़ी भीड़ होती है, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू बाई माई टिकट्स फ्रॉम दीज कियोस्क। एंड टिकट प्राइस इज अराउंड आई थिंक इट्स 40 यूरोस अप एंड डाउन। तो यहाँ से हम अब केबल कार लेंगे, मैंने आपको बताया नहीं कि टिकट किस चीज़ की है। तो टिकट है फ्यूनिक्यूलर और केबल कार नॉट सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर। सो दिस इज़ अवर फ्यूनिक्यूलर, और ये अब हमारे को ऊपर टॉप तक लेके जाएगी। और ये स्टार्ट हो चुकी है, और बाहर के नज़ारे वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। बट आई इवन इफ आई वॉन्ट टू बट आई कैन नॉट कैप्चर माई होल जर्नी, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एंड आई वॉन्ट टू कीप इट विद इन माई टाइम लिमिट्स, आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच इट लॉन्गर। बट या ऑफकोर्स आई विल ट्राई टू शो यू एज मैनी पॉइंट्स एज आई कैन एंड विच आई फील इज रियली वर्थफुल। तो वो सामने आप देख सकते हैं इंटरलाकेन ही सिटी है, दैट इज नियर लेक बेन्स। आपको ऊपर से दिखाऊंगा, दोनों लेक्स दिखाई देती हैं। ऊपर से आपके लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी आपको लेक बेन्स, और आपके राइट हैंड में आपको दिखाई देगी लेक थून। तो एक चीज और है इस एक्चुअली रूट में, कि अभी हम एक टनल में एंटर करेंगे जो कि आप सामने देख भी रहे हैं, अब आ गई है सामने। और ये टनल वाकई बहुत ही खूबसूरत है, एंड वाई इट्स खूबसूरत, वाई इट्स ब्यूटीफुल यू विल रियलाइज योर सेल्फ। जस्ट हैव लिटिल पेशेंस एंड देन यू विल सी। शायद मैं कैमरे में वो ब्यूटी कैप्चर ना कर पाऊँ, बट इट्स रियली रियली एन अमेजिंग। सो एज यू कैन सी नाउ यू इट्स ए लिटिल डार्क विद कलरफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइट्स, एक्चुअली इट्स रेड। अगर आपको याद हो तो जैसे कि हम छोटे होते जाते थे अपू घर में, तो वहाँ एक ना आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दैट, कि भूतों वाली सुरंग, पता नहीं घोस्ट टनल कुछ ऐसा होता था, तो उसमें से निकलती थी। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है, पर यहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि घोस्ट वाली, तो डरने की जरूरत नहीं है। यू विल रियली एंजॉय इट एंड इट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक कि देयर आर अदर टनल्स इन स्विट्जरलैंड विच गिव यू सिमिलर एक्सपीरियंस, आई मीन सिमिलर एक्सपीरियंस मीन्स लाइटिंग। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट कमिंग आउट ऑफ दिस टनल, सून वी विल बी इन डे लाइट। तो डे लाइट तो नहीं है, खैर मेरे पास टाइम भी कम है, क्योंकि मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को ऑलमोस्ट शाम ही हो गई है एडलबोर्डन से। तो आई विल ट्राई टू कवर दिस क्विकली, बट नॉट सो क्विकली दैट आई कांट शो यू। सो मेरा यहाँ प्लान है कि मैं पहले आपको लेके चलूंगा हरकर में रेस्टोरेंट, दैट इज वेरी फेमस प्लेस हियर। और उसके बाद देर इज अ टॉप विच इज वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, यानी कि जो टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे लोग फोटो खिंचवाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो दूसरा वो दिखाऊंगा, और तीसरा है यहाँ पे एक ट्रैक जंगल के बीच में। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइम तो काफ़ी हो रहा है, तो मेरा प्लान है कि मैं नाइट टाइम से पहले रिटर्न करूँ। तो मैं ये जंगल वाला ट्रैक अपना पूरा नहीं करूँगा, आई विल ट्राई टू रिटर्न, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ डज इट लुक। और विदाउट डूइंग एनी ट्रैक मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो मेरा भी थोड़ा सा लालच और आपको भी दिखाएंगे इसी बात। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये साइड है लेक बीन्स, ये आपके लेफ्ट हैंड में, और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं अभी हम लेक थून। ये थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी आपको, और ये स्टैचूज तो आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे इस पूरे रूट पे हाड़ा कुल में। तो लोग फोटो खिंचवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पोज बना के। तो ये मेरे राइट हैंड में वो जंगल है जिसकी मैं बात कर रहा था, वेयर आई वॉज प्लानिंग टू शो यू मीन्स माई ट्रैकिंग रूट। और यहाँ पे इंडियंस भी एक्चुअली मैं देख रहा हूँ काफ़ी है, उसका रीज़न भी है क्योंकि इंटरलाकेन इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज दैट पॉपुलर मूवी DDLZ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसकी शूटिंग यहीं करी गई थी, यानी कि कहीं आसपास ही यहाँ पे करी गई थी, नॉट जस्ट ओनली इन इंटरलाकेन बट एरिया अराउंड इंटरलाकेन एंड सम अदर प्लेसेज ऑल्सो इन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे एक्चुअली वो यश चोपड़ा जो फिल्म डायरेक्टर थे, उनका स्टैचू भी है इंटरलाकन में ही। तो
यानी कि उस टाइम के बाद से स्विट्जरलैंड पहले भी पॉपुलर था, बट आफ्टर दैट मूवी इट बिकेम मोर पॉपुलर. मीन्स इट्स माई व्यू, आई माइट बी रॉन्ग. सो दिस इज द एंट्री गेट टू आवर डेस्टिनेशन, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज द रेस्टोरेंट विच आई वॉज टेलिंग यू. तो यहाँ पर मेरे को आइडिया नहीं है कि यू कैन स्टे ओवर नाइट और नॉट. आई विल ट्राई टू आस्क दिस गाइस, पर मेरे को लगता नहीं है क्योंकि लास्ट जो ये फ्यूनिकुलर है दैट इज अराउंड 9:30. सो प्लीज जस्ट कीप दिस इन माइंड इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप हियर इन लेट नाइट और लेट इवनिंग, नॉट लेट नाइट. तो 9:30 है, तो अगर फ्यूनिकुलर ही बंद हो गई तो रात को मेरे को लगता नहीं कोई सेंस है यहाँ पर रुकने का. और यार ये लोग तो मेरे आगे ही अड़के हैं, साथी बन गए मेरे. अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं चलो, क्योंकि व्यू ब्लॉक होता है तो मैं आपको ढंग से दिखा नहीं. अरे फिर सामने मेरे, तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा था कि होटल के टॉप का व्यू, सॉरी रेस्टोरेंट का. और ये अगेन एक स्टैचू, यहाँ पे थोड़ी जियोग्राफी है इस एरिया के बारे में. इट्स टोटली इन जर्मन एंड दिस इज पेंटिंग और नॉट, दिस इज स्केच ऑफ दिस वैली. यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली शोइंग द सिमिलर स्केच ऑफ दिस होल वैली विच इज इन फ्रंट ऑफ अस. सो दिस इज लेक थोन एंड नाउ फ्रॉम दिस इज लेक प्रिंस इन योर लेफ्ट. फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट आई विल शो यू, एंड दिस इज द प्लेस विच आई वॉज टेलिंग यू दैट वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट. तो यहाँ पे आप खड़े होकर एक फीलिंग आती है कि एज यू आर जस्ट इन द एयर, जस्ट फॉरगेट दैट यू आर स्टैंडिंग समवेयर, बट ऑन द कॉर्नर इफ यू गो देयर यू विल फील लाइक यू आर इन स्टैंडिंग इन द एयर. टोटली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और ये गाय माता, हमारी गौ माता, पर इनके लिए तो माता नहीं है खैर, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल. प्लीज डोंट सिट ऑन द काउ बिट एन ईस्ट हाउस टाइगन, दैट वॉज इन जर्मन. तो दिस इज इंटरलाकन सिटी जहाँ से हम आए हैं अभी, और दैट इज लेक ब्रिंस. और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे लेफ्ट में लेक थोन. तो यहाँ पे लोग, ये एक्चुअली जो वाटर स्ट्रीम्स मैं आपको बता रहा था दो लेक्स के, ये है लेक थोन और ये बीच में जा रही है वाटर स्ट्रीम्स लेक ब्रिंस से लेक थोन की तरफ. यानी कि फ्लो से तो मेरे को ऐसे लगता है कि ब्रिंस से थोन की तरफ जा रही है, बट व्हाट वुड बी द रीजन, वो नीचे है या वो ऊपर है, आई डोंट नो, बट इट्स गोइंग टू दैट. और ये है यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जहां से देखिए वैली को दूर दूर तक. तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने उस ट्रैक के लिए जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था. तो ये उसका एंट्री पॉइंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा ट्रैक तो नहीं करूँगा, पर अपनी सेटिस्फेक्शन और आपकी सेटिस्फेक्शन दोनों के लिए थोड़ा अंदर तक चलते हैं. और क्योंकि अंधेरा होने का टाइम है तो इसलिए काफ़ी लोग भी नहीं मिले मेरे को रास्ते में, पर मैं तकरीबन आधे घंटे तक अंदर गया. और अब मैं वापसी कर चुका हूँ अपने फ्यूनिकुलर में, जैसे देख भी रहे हैं आप कि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है. मीन्स एक्चुअली रात तो नहीं है यहाँ पे अभी, पर हाँ अंधेरा होना शुरू हो गया है, लाइट्स भी जल गई हैं फ्यूनिकुलर की भी. और सामने हम पहुँच गए हैं वापिस अपने इंटरलाकिन. तो ये लोग आ रहे हैं वापसी, अब अपनी अपनी जगह जाएंगे, कोई खाना खाने जाएगा, कोई होटल में जाएगा, कोई कंटिन्यू करेगा अपना एक्सप्लोरेशन लाइक मी. तो प्लेस इज रियली एन अमेजिंग प्लेस. तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरलाकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जैसा कि मैंने आपसे प्लान किया था. तो अब हम जा रहे हैं इंटरलाकिन को. तो एक्चुअली मेरा प्लान है कि यहाँ से मैं जाऊँगा मार्केट की तरफ, रेस्टोरेंट्स की तरफ,
एंड बिकॉज इट्स स्टिल ए लिटिल अर्ली एंड पीपल आर स्टिल आउटसाइड वेदर दे आर डूइंग साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग और वट एवर इट इज़ और जस्ट डूइंग एक्सप्लोरेशन, तो रेस्टोरेंट्स के चांस तो कम है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको रौनक दिखाई देगी। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज़ अनदर ब्रिज, दिस इज़ नॉट द सेम ब्रिज फ्रॉम वेयर आई वॉज कमिंग इन द इवनिंग और लेट आफ्टरनून कैसे। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ कि अब आपको दिखाते हैं नाइट टाइम में हाउ इट लुक्स। चला जाता हूँ किसी की धुन में और तो ये जगह भी काफ़ी ही खूबसूरत है। यहाँ आओ थक हार के, जब पूरे दिन की हाइकिंग ट्रैकिंग साइकिलिंग थक हार के आओ और यहाँ आकर आराम से बैठ जाओ नदी के किनारे, बेंचेस लगी हुई हैं, आराम से बैठो इस नदी के स्वीट स्वीट म्यूजिक को सुनो। और ये यूथ हॉस्टल है एक्चुअली, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर नॉट जस्ट ओनली एस्पेशली इन स्विट्जरलैंड बिकॉज होटल्स आर रियली वेरी कॉस्टली, सो इफ यू आर डूइंग सोलो ट्रेवलिंग देन हॉस्टल्स आर द बेस्ट ऑप्शन एंड आई विल सजेस्ट यू कि प्रेफर करो हॉस्टल, अदरवाइज होटल तो यहाँ बहुत ही महंगे, या फिर अपने होटल की बुकिंग एटलीस्ट 3-4 महीने पहले ही कर लो क्योंकि अदरवाइज या तो मिलने के चांस ही बहुत कम है और मिल भी रहे होंगे तो बहुत कॉस्टली होंगे। और ये है नाइट टाइम का स्विट्जरलैंड, ये लोग पता नहीं खाने जा रहे हैं या खा के आ रहे हैं, पर इनको देख के लग रहा है कि ये जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ खाया जाए रात को, डिनर क्या किया जाए। हम तो अपने होटल जाके ही बनाएंगे, खैर आराम से बनाएंगे, ऊपर बैठेंगे टेरेस पे, वहाँ बैठ के बाहर के भी नज़ारे देखेंगे और साथ साथ डिनर करेंगे, कोई मिला तो बातें करेंगे। तो एक्चुअली आज का दिन वाकई ही काफ़ी अच्छा रहा, दिन में वो ट्रैक और शाम को ये इंटरलॉकिंग, खूबसूरती अलग ही है इस शहर की। और ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, अगेन अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच इट। तो आई वॉज सेइंग कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी और ये वीडियो, तो इट्स टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब कि वो एकदम ग्रीनरी और वाटरफॉल्स, टोटली अवे फ्रॉम पॉपुलेशन, ना बंदा ना बंदी की जात, मेरे ख्याल से मेरे को बस 2-4 लोग ही दिखे थे अपने पूरे ट्रैक में। तो एकदम शांत जगह, एकदम ग्रीनरी से भरी हुई, और ये शहर लोगों से भरा हुआ और पूरा ही कलरफुल, कलर पूरी ही कलरफुल सिटी, रेस्टोरेंट्स जगह जगह पे लोग बैठे हैं, और जिसमें मैंने आपको बताया इंडियंस तो आपको यहाँ बहुत ही मिलेंगे। तो और यार मेरे को शायद दूध भी लेना होगा तो मैं बीच में काटता हूँ। और ये है स्विस वॉचेस, यहाँ पर काफी ही फेमस स्विस चॉकलेट, स्विस वॉचेस एंड स्विस चीज। स्विट्जरलैंड आई हो, नहीं लिया ट्रिप अधूरा। वॉचेस ऑफ कोर्स काफी महंगी, पर एटलीस्ट चीज और चॉकलेट जरूर ट्राई करना, और वो चीज अगर आपकी पॉकेट आपको सपोर्ट करती है तो आई विल सजेस्ट, मेरा तो नहीं है खैर कोई प्लान लेने का अभी। और ये आपको घोड़ा गाड़ियां यहाँ पे बहुत दिखाई देंगी, पीपल आर एंजॉइंग देयर सवारी। ये रेस्टोरेंट काफी फेमस है, मैं भी ट्राई करता हूँ आजकल में, अभी आज तो नहीं कल करेंगे। और ये आर्टिफैक्ट्स, हैंड आर्टिफैक्ट्स यू कैन बाय एज सुवेनिर फ्रॉम हियर,
इसी के साथ आज की वीडियो का एंड। और कल भी मैं यहाँ पे इंटरलाकन में ही हूँ, तो कल भी आपको इंटरलाकन ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे वो आप कल ही देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, थैंक यू।